हेलो एंड वेलकम टू लाइट्स कैमरा एक्शन। मैं हूं आपके साथ सुनाली और आज की गॉसिप है करण जौहर पर। जी हां, बॉलीवुड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर या कहें सेल्फी किंग करण जौहर अपने चैट शो कॉफी विद करण का सीजन 7 लेकर आ रहे हैं। अरे हां, वही शो जहां कंगना ने करण को नेपोटिज्म का राजा बोला था। ये चैट शो व्यूअर्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस शो में बॉलीवुड जगत के सितारे नजर आते हैं, जिस कारण करण जौहर ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिसे सुनकर व्यूअर भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि समय समय पर करण जौहर का ये चैट शो लोगों के निशाने पर आया है। वहीं अब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि कॉफी विद करण सीजन 7 का ये सीजन भी बॉयकॉट किया जा रहा है। दावा है कि शो का नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो क्या ये ऐसे ही पहले से हो जाएंगे करण जौहर बॉयकॉट? आइए जानते हैं सच। बॉलीवुड में करण जौहर एक ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबके बेस्ट फ्रेंड हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, करीना कपूर हो या सलमान खान हो। सबके फेवरेट करण जौहर बस कंगना की नजर में चढ़े थे और कंगना ने तो साफ उनके ही शो में कह दिया था कि आप तो नेपोटिज्म के फ्लैट बियरर हैं और आप नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद करण जौहर खूब ट्रोल हुए थे। अब दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक करण जौहर के चैट शो की शूटिंग जून के महीने में शुरू होगी और इसमें बॉलीवुड के नए कपल्स को बुलाया जाएगा। इस खबर के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस शो का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ट्विटर पर ये जरूर लिखा है कि वो शो का बॉयकॉट करेंगे। वहीं इस चैट शो से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों का ये भी कहना है कि करण जौहर एक बार फिर से ए लिस्टेड कलाकारों में आगे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के खिलाफ बातें जरूर की, लेकिन सोशल मीडिया पर बवाल जैसी स्थिति नहीं बनी और न ही ट्विटर पर कॉफी विद करण बॉयकॉट जैसा कुछ ट्रेंड हुआ, बल्कि ज्यादातर फैंस इस शो में आने वाले कलाकारों के नाम जानना चाहते हैं। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के चल रहे शेड्यूल को खत्म करने के बाद करण अपने चैट शो पर काम शुरू करेंगे। शो के सीजन में अक्षय कुमार, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, नीतू कपूर, अनिल कपूर, कियारा आडवाणी और कई बाकी सेलेब्स दिखाई दे सकते हैं। अरे अरे, भला बॉलीवुड डायरेक्टर में सबके बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले करण जौहर को सबने अकेला कर दिया क्या? अब ट्वीट का ट्रेंड तो यही बता रहा है कि पहले से ही बॉयकॉट करण जौहर लोगों के ट्वीट करना शुरू कर दिया है। क्या आप भी ये शो को बॉयकॉट करेंगे आप पसंद? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस खास फिल्मी शो लाइट्स कैमरा एक्शन में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।